यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि गाइज आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइज मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक एम करते हैं दोस्तों 5000 लाइक्स का। आई होप कि यार आप सभी लोग 5000 लाइक्स का एक छोटा सा लाइक एम दोस्तों कंप्लीट करवा ही दोगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल गाइज आपको यहाँ पर पता होगा ये है माइकल दादा, ठीक है। अब गाइज ये बाइक है, ठीक है, और माइकल दादा ने ये बाइक गिर चुकी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर माइकल दादा ने दोस्तों बहुत कुछ कर लिया है शहर के लिए, ठीक है, लिटरली बहुत कुछ कर लिया है। बैनी के लिए बहुत कुछ कर लिया, इनके घर वगैरह बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है भाई, सब कुछ घर वगैरह बन गए और सारी कार्स ले ली, यहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बहुत कुछ कर लिया भाई माइकल दादा ने। लिटरली अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। तो गाइज आज के बाद बेसिकली कभी लाइफ में आगे आ जाएंगे माइकल दादा, क्योंकि हमने इनकी सीरीज़ के ऊपर करीबन एक साल से चैनल के ऊपर सिर्फ माइकल्स की वीडियो आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और हमने बहुत कुछ कर लिया, माइकल दादा को बहुत अमीर कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पर बचता कौन है, हमारा दोस्त फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन दोस्तों स्टार्टिंग से मेरा बहुत अच्छा जिगरी रहा है, नताशा मैडम जी सब कुछ भाई बहुत अच्छा रहा है। और ये जो चैनल चला था ना एके टेक्निकल पॉइंट, ये फ्रैंकलिन के दम पर ही चला था स्टार्टिंग में, जब उसने सलमान खान की गाड़ी चोरी करी थी, आपको पता होगा। तो गाइस फ्रैंकलिन को मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ यहाँ पर, और आप सभी लोग भी कहीं ना कहीं भाई देखो करते ही होंगे, ठीक है। और फ्रैंकलिन दोस्तों आजकल बहुत गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है ना। और अब माइकल दादा की सीरीज़ के अंदर अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ रहा नहीं है कुछ ज़्यादा दिखाने वगैरह को, क्योंकि अब ये एक अच्छे आदमी बन चुके हैं, इन्होंने बहुत कुछ कर लिया यहाँ पर सबके लिए, ठीक है। और सारा काम का इस ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट ही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज से चैनल पर दोस्तों स्टार्ट होने वाली है फ्रैंकलिन की सीरीज़, ठीक है। अब से जो हम फ्रैंकलिन से जो भाई सब कुछ करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी मत लिखना कि आरिश भाई फ्रैंकलिन माइकल दादा को वापस लेकर आओ ये वो, क्योंकि ये माइकल दादा का एंड है, जी हाँ। और मैं आज बोल रहा हूँ चैनल पे कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए मेरे भाई लोग, अपने भाई की बातों को समझा करो यार। आप सभी लोगों को भी मज़ा आएगा, अब डेली प्रेसिडेंट की सीरीज़ में यार दोस्तों कहाँ मज़ा आए। अब जब तक हम कुछ चोरी वगैरह नहीं करेंगे, कुछ इलीगल चीज़ें नहीं करेंगे भाई, आपको भी कहाँ मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं फिर एक नया दिन एक नई वीडियो, ठीक है। बाकी माइकल दादा की वीडियोस यहीं तक थी, आई होप के प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो चलिए फ्रैंकलिन के साथ चलेंगे। यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों गाइज यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट की हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। जी हाँ, ये ब्रांड न्यू वीडियो है ब्रांड न्यू सीरीज के साथ, ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों अपना फ्रैंकलिन यार यहाँ पर है, और आप सभी लोगों को यहाँ पर ये पता होगा फ्रैंकलिन ने ये वाला हुलिया कब किया था। दोस्तों फ्रैंकलिन ने ये वाला हुलिया किया था करीबन 2 या 3 महीने पहले, जब माइकल दादा जेल में चले गए थे तो उनको जेल से यहां पर निकलवाना था, उस चक्कर में तब यहां पर भाई ये जो सारा का सारा सीन हुआ था, ठीक है। बट कोई नहीं, अब सब कुछ यहां पर ठीक हो चुका है। चलिए आज का दिन जो है सबसे पहले अपना हुलिया वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है। और यार अब मैं नताशा मैडम को भी गाइस यहाँ पर जो है वापस बुलाने वाला हूँ, क्योंकि वो भी वाइस सिटी में रहती भाई बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। कब तक यार हम एक दूसरे से यहाँ पर जुदा रहेंगे, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि फ्रैंकलिन की जो भाई नताशा जी से दोस्तों शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है यार। ऐसा गर्लफ्रेंड यार कब तक नताशा जी यहाँ पर इसके साथ रहेंगी, है ना नताशा जी भाई, कब तक ऐसी भाई फ्रैंकलिन के साथ यहाँ पर रहती रहेंगी भाई। लोग बाग भी यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिलहाल गैराज में देखें तो एक भी गाड़ी नहीं है, बस ये वाली गाड़ी है, ये बाइक है, यही बचा था। एक आधी शायद गाड़ी या बाइक जो है गैराज में मेरे खड़ी है, पर दोस्तों उसका मैं फ़िलहाल अभी क्या ही करूँगा, है ना। उसकी तो अभी मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, है ना, उसका भी मैं क्या ही करूँगा। तो गाइस मुझे यहाँ पर ना अपने बाल वगैरह वापस चाहिए, अरे यार, और कुछ कपड़े वगैरह ऐसे चाहिए दोस्तों जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो देखो भाई किसी ने ना भी देखे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मॉडर्न बनना पड़ेगा, मॉडर्न बनने के साथ साथ दोस्तों तभी हम यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे मेरे वो बाल वापस चाहिए जो मैं स्पाइक्स वगैरह यहाँ पर जो बनाता था दोस्तों। आपको मेरे स्पाइक्स कितने ज़्यादा अच्छे लगते थे ना, एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके बताना। खैर गाइस स्पाइक्स तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना अपनी शेव वगैरह चेंज करवाऊँगा। स्पाइक्स तो मुझे यहाँ पर अलग से ही बनवाने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने बालों पे कलर करवाना पड़ेगा, हल्का सा रेडिश सा कलर दोस्तों वो होता है, ठीक है, और स्पाइक्स बनते हैं फिर उसके। चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं मैडम जी के पास। और मैडम जी की हाल नहीं तो अड्डे, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, आ जाओ।
ठीक है। अरे मुझे जरा ना अपने बाल वगैरह कटवाने हैं मैडम जी, जरा मस्त से बना दो ठीक है। चलो हेयर स्टाइल, मैडम जी के पास बहुत सारे हेयर स्टाइल्स अवेलेबल हैं फिलहाल, तो जो अभी नॉर्मल सा ही हो रहा है दोस्तों वही करा लेंगे ठीक है ना। ये वाला हो रखा है दोस्तों नॉर्मल सा, चलिए फिलहाल तो ये गुत गुत सी बन जाएंगी। वो वाला जो हेयर स्टाइल है दोस्तों वो कहीं और जाकर होता है और मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ जाकर होता है ठीक है। चलो ये ठीक लग रहा है, सही है सही है। बाकी सबसे पहले बियर्ड हटाओ, क्लीन कर दो यार, तुम क्लीन ही करवा लेता हूँ। इनके पास स्टाइल वगैरह नहीं बनाने आते दोस्तों, इनको बिल्कुल भी नहीं आते इन्हें स्टाइल वगैरह बनाने। सही लग रहा हूँ दोस्तों क्लीन करवा के, है ना, एकदम मस्त लग रहा हूँ वैसे तो क्लीन करवा के। चलो थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू, आता रहूँगा वैसे मैं दुकान के ऊपर आपकी ठीक है ना। चलो मिलता हूँ फिर आपसे, चलिए दोस्तों चलते हैं। और राइट गाइज, तो अब यार मुझे सबसे पहले ना थोड़े कपड़े वगैरह भी यहाँ पर लेने हैं ठीक है ना। चलो 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 चलो, और राइट आई एम हेयर। अरे यार एकदम तो हो जाता है। बाकी एप्पल का शोरूम दोस्तों यहीं पर है, एक आईफोन भी यार मैं यहाँ पर लेने की सोच रहा था नताशा मैडम के लिए। अभी सोच रहा हूँ कि उनको हमारी एनिवर्सरी आ रही माने आने वाली है, बेसिकली एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उनको यहाँ पर ना एक वो गिफ्ट किया जाए, आई मीन एक आईफोन 11 या फिर 12 प्रो मैक्स कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पर जो है उनको देने की सोच रहा हूँ। बाकी आप एक बार कॉमेंट करके बताना कौन सा देना चाहिए। चलिए जैकेट देखते हैं पहले, जैकेट वाइट अच्छी लगेगी मेरे ऊपर है ना दोस्तों, ये देखो वाइट पे क्या मस्त लग रही है ना। ये अंदर की इसके अंदर की जैकेट मैं पहनता हूँ येलो, येलो नहीं येलो नहीं, ये फौजी वाली भी एकदम सुपीरियर लुक जो देना यार वाली पहननी चाहिए। ब्लैक सही रहेगी यार, ब्लैक टी शर्ट है ना, जो वाइट जैकेट के ऊपर ब्लैक टी शर्ट अच्छी लगेगी यार है ना दोस्तों। और क्या ही पहनूँ मैं यहाँ पर, जीन्स पहन लेता हूँ, जीन्स बहुत सारी अवेलेबल्स है पर थोड़ी सी नैरो पहनूंगा यार, ये ब्लैक नहीं। आई रियली डोंट वांट टू बी हियर टुडे। वैसे ये अच्छी लग रही है ना जीन्स, हल्की सी नैरो सी अच्छी लगती है दोस्तों। इतनी मोटी जीन्स मतलब भारी भरकम सी पहन के कहीं जाना है ठीक है ना। बाकी शूज़ वगैरह देख लेते हैं, ये वाले लेदर जैसे शूज़ मैंने बहुत टाइम हो गया भाई पहने थे, लेदर वाले शूज़ बहुत टाइम हो गया लिटरली यार, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया तब मैंने पहने थे। बाकी ग्लासेस तो यार सारे के सारे देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल के यार, ये लॉस सैंटोस में आते हैं। बाकी नॉर्मल से तो ये वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और ये वाले भी दोस्तों कुछ कम नहीं लग रहे, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं ठीक है। बाकी यार मुझे तो ऐसा लगता है ना ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, गोल्डन से रिलेटेड है ना, पर दोस्तों वो ज़्यादा सही लग रहा है नीचे वाला जो वाइट है ना, एकदम मस्त ठीक है। तो अच्छा लग रहा हूँ ना दोस्तों मैं फिलहाल, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिलहाल ये जैकेट वाइट कलर की एकदम भाई अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर रही है भाई तुम्हारे भाई के ऊपर ठीक है ना। फिलहाल यार वो मेरी बुलेट उधर गिरी हुई है, मुझे यहाँ पर ना एक गिफ्ट ले लेना चाहिए दोस्तों। मैं यहाँ पर नताशा मैडम को दोस्तों देखो गिफ्ट तो दूंगा ही ठीक है। फिलहाल मैं आईफोन यहाँ पर आ चुका हूँ और चलते हैं दोस्तों अंदर, फिलहाल देखूंगा यार आई मीन स्टोर खुला हुआ भी है बंद है, खुला हुआ तो होना चाहिए यार, खुला हुआ नहीं है शायद, कोई भी नहीं है दोस्तों स्टोर के अंदर तो। चलिए कोई बात नहीं, एक बार चलो बाद में ले जाऊंगा है ना, वहाँ पे XR की वो लगी हो। फिलहाल स्टोर गाइस बंद है दोस्तों, देख लो कोई भी नहीं है स्टोर के अंदर आज, बंद है दोस्तों स्टोर। पता नहीं आज लॉकडाउन है इसकी वजह से किस चीज़ की वजह से, पर दोस्तों आज ना स्टोर बंद है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो तो गाइस अभी यहाँ पर जो स्टोर वगैरह तो खैर बंद था, मैं सोच रहा था यहाँ पर लेने की बट अब क्या ही फ़ायदा था क्योंकि जब ये चाहिए ही नहीं था, आगे ही करेंगे वो है ना। चलो चलते हैं, नाउ गाइस आई हैव टू गो फॉर लमार हाउस एंड वहाँ से मुझे जो बेसिकली मैंने अपनी बाइक्स वगैरह कुछ गाड़ियाँ वगैरह थी जो कि मैंने वहाँ पर खड़ी कर रखी थी, मुझे वो उठाकर लेकर आनी क्योंकि सर्विसिंग वगैरह भाई लमार के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ पर जो है भाई कंप्लीट वगैरह कराएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर से बताना ठीक है। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल यार इस बाइक के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो अभी मुझे पहले ऐसा नहीं था कि फेस करनी पड़ रही है बट अब होने लग गया है कुछ ऐसा ठीक है ना, पहले नहीं था बट अब हो रहा है ठीक है। चलिए इधर से चलेंगे हम,
और जल्दी से वहाँ पर जाने के बाद जो मेरी कुछ बाइक्स वगैरह है मैंने उसको यार यहाँ पर दी थी, ठीक है ना, वो मुझे वापस लेकर आनी है। और एक बार सबसे पहले ना मैं अपने गैराज में भी जाऊँगा। अब तो यार माइकल दादा यार यहाँ के प्रेसिडेंट हो चुके हैं, खैर मुझे किसी से डरने की तो ज़रूरत है नहीं, बट बालाज वगैरह के साथ भी कुछ पंगे वगैरह तो चल ही रहे हैं और इन पंगों को भी यहाँ पर जो भाई ठीक करना ही है। मैं बालास चाहता हूँ कि लॉस गैंग, माइकल दादा चाहते हैं कि लॉस सैंटोस से ख़त्म हो जाए, और बालास को मैं चाहता हूँ कि लॉस सैंटोस से ख़त्म हो जाए। अब वो देखना पड़ेगा कि आई मीन ये दोनों गैंग्स जो है कब यहाँ पर जाकर जो दोस्तों है ख़त्म होंगी। चलिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने गैराज जा रहा हूँ मैं, और गैराज में जाकर देखूंगा कि मेरी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, एक दो कार्स होंगी जो खड़ी हैं और मुझे उसे सेल करनी है, क्योंकि वो मेरे किसी भी यूज़ में नहीं आ रही फ़िलहाल तो, जो मेरा प्रीमियम गैराज था, या फिर आई डोंट नो वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी भी होगी, दिमाग से ही निकला हुआ है, शायद नताशा जी लेकर चली गई होंगी, अभी पक्का नहीं कह सकता मैं कुछ भी, बट वहीं पर जाकर पता चलेगा। ऑलराइट सो आई एम हियर, मैं अपनी बाइक को यार बाहर ही पार्क कर देता हूँ क्योंकि बाहर ही सही रहेगी, इसका स्टैंड टूट गया बेसिकली। चलिए कोई नहीं, फिलहाल मैं आ चुका हूँ एंट्रेंस पर मोटरऑल ऑयल एक्सरो गैस ऑयल पर, बाकी हम अपने गैराज के अंदर चलते हैं और बेसिकली जितने भी व्हीकल्स वगैरह थे शायद मैंने खड़े करते, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और यहाँ पर जैसा कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और ऐसा ही हुआ क्योंकि एक दिन नताशा जी ने ना मुझे ये बोला था कि जो गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी है मैं वो ले जाऊँ क्या, तो मैंने कहा था हाँ ले जाओ, बट मुझे बाद में एकदम ऐसा मुझे लगा कि वो सपना था फिर रियलिटी थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसने ड्रग्स की डोज ले ली थी उस दिन फ्रैंकलिन ने, तो पता ही नहीं चला, इन चीज़ों के अंदर ऐसा पता नहीं चलता है, ठीक है। तो या गाड़ी जो है यहाँ से जा चुकी है, और गाड़ी जो दोस्तों वो होगी वो वाइस सिटी में होगी इस टाइम, वो थी दोस्तों यहाँ पर T20 जो कि मैंने अभी नई परचेज़ की थी, T20 बहुत टाइम हो गया, ठीक है। चलिए मैं कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है लमार के पास चलता हूँ और मुझे वहीं से जाकर जो है दोस्तों गाड़ी लेकर आनी है, ठीक है। बाकी यार मेरी बाइक यार, एक तो बालाज वालों ने ना नाक में दम कर रखा है, इसीलिए नहीं आता मैं इस साइड एरिया में, बाइक वाइक उठा कर ले गया मेरी यहाँ पर कोई, पता नहीं कौन लेकर गया। ऑलराइट गाइस, तो यार फिलहाल मैंने उसको फ़ोन तो कर दिया और वो जस्ट अपने घर पर ही भी यहाँ पर मेरा वेट कर रहा है, उसने गाड़ी वहीं पर खड़ी कर रखी है। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर अपनी बाइक वापस चाहिए, ठीक है ना, बट वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक कार, भैया मुझे यहीं तक जरा आपकी गाड़ी चाहिए, क्योंकि माइकल दादा तो यार ऐसी मतलब हरकतबाजी यहाँ पर नहीं कर सकते जैसी चीज़ें यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ हम कर सकते हैं शहर के अंदर। और ये डेविस गैंग अपनी चलती हुई भाई सब सही चल रहा है एकदम मस्त शहर के अंदर। चलो ऑल राइट गाइस, तो फाइनली ओ शिट, मैं सॉरी भाई मैं लमार गया, ऊपर ही घुस गया यार, और ये गाड़ी देखो कहाँ फंस गई। चलो 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 लिटरली चल 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 निकल 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 निकल, अबे भाई चलो यार, खैर कोई बात नहीं, सॉरी यार लमार। बाकी यार ये मेरी वजह से ही यहाँ पर हुआ है और मेरी वजह से ये गाड़ी जो है गिरी है, अरे यार खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट कोई नहीं। बट दोस्तों ये पुराना मॉडल है हायाबुसा का, आप सभी लोग देख पा रहे हो 2007 मॉडल की बाइक है। बेसिकली फ्रैंकलिन के पास एक वक्त पे जो है नया मॉडल भी हुआ करता था, बट वो सेल कर दिया था, फिर बाइक चलाने को ज़्यादा ही वो थी तो ये पुरानी ली थी। इनलाइन 4 है गाइस ये भी, बट ये 2007 मॉडल है जब धूम मूवी आई थी जो जॉन इब्राहिम ने यहाँ पर यूज़ कर रखी है, ब्लैक और रेड वही वाली बाइक। तो चलिए और राइट गाइस, तो फिलहाल यार बाइक तो मेरे हाथों में यहाँ पर आ चुकी है और मुझे जस्ट इसकी एक बार कुछ सर्विसिंग वगैरह भी करवानी है, इसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे दोस्तों बैनीज़ के पास। तो खैर मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बैनीज़ का एक न्यू शोरूम खुला है और बैनीज़ इस टाइम जो है गाइस कोई भी बाइक वगैरह का काम जो है पकड़ नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम पकड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ कार्स का। तो मुझे लॉस एंटोस कस्टम्स ही यहाँ पर जो बेसिकली जाना पड़ेगा, फिलहाल मेरे पास एक वर्स्ट एंड ओनली लास्ट ऑप्शन यहाँ पर बचा है तो लॉस एंटोस कस्टम्स, क्योंकि ब्रेक कैलिपर्स भी इसके अच्छे से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेकिंग बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर ब्रेकिंग वगैरह नहीं है, तो मुझे इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी एक बार दोबारा से इम्प्रूवमेंट गाइज करानी तो पड़ेगी, ठीक है ना, उससे पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और अपना जो मलिबू मेंशन है गाइज यार, वहाँ पर बेसिकली पहले ऐसा होता था कि हम पार्टीज़ वगैरह चलती रहती थी, बट अब बहुत टाइम से जो है बेचारा बंद पड़ा है, आज वहाँ पर भी जाकर देखेंगे अपना मलिबू मेंशन गाइज कैसा है कैसा नहीं। चलो सही है, मैंने अपनी बाइक वगैरह भी दोस्तों वापस ले ली आज, खैर ये कुछ ज़्यादा ही पुराना मॉडल हो चुका है यार, अब इतने मॉडल के ऊपर पैसा इतना ज़्यादा लगाना
कुछ ज़्यादा सही बात नहीं है, मुझे इतने में एक नई भूसा मिल जाएगी जो नया 2021 वाला वेरिएंट है। खैर 21 वाला वेरिएंट अभी लॉस सैंटोस में इंपोर्ट तरीके से तो खैर नहीं आया, और सुजुकी भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, आर्मर, ब्रेक्स, इंजन, हॉर्न वगैरह तो सही है, स्प्रे, टर्बो, ट्यूनिंग वगैरह करा देते हैं, व्हील्स वगैरह, व्हील टाइप फ्रंट व्हील खैर सही है, और रियर व्हील चलो सही है। टायर, टायर डिज़ाइंस और बुलर इंगेजमेंट टायर्स और रेड टायर स्मोक बेसिकली हम इस कार का यहाँ पर करा, बाइक का बेसिकली जो है कराना है, और यहाँ पर और ज़्यादा कुछ भी एक्सेट्रा थिंग्स कराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज ए नॉर्मल बाइक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यार मुझे इसका कोई यहाँ पर ग्राहक वगैरह ढूंढना चाहिए भाई, देख रहे हो आप कैसी लग रही है, एकदम प्रीमियम दोस्तों लग रही है, नहीं लग रही है आप प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके बताना, देखो कितनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है गाड़ी। चलो हमें काफ़ी आराम आराम से चलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आराम से। चलो मैं अब जो गाइस यहाँ से सीधा अपने मलिबू मेंशन जो है जाने वाला हूँ, और मलिबू मेंशन में इसलिए जा रहा हूँ, मलिबू मेंशन जाने के लिए मुझे हाईवे पकड़ना चाहिए ना, और हाईवे पकड़ने के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक बार अपनी बाइक की स्पीड वगैरह भी चेक कर लेनी चाहिए। टायर्स वगैरह घिस चुके थे, मैंने टायर्स वगैरह भी चेंज करवा दिए अब तो इसके, सही है यार स्पीड तो वही है उसका कि ये भी वही है वो भी यही है, तो नई वाली से थोड़ी तेज जाती है क्योंकि पुराना इंजन है ना, उस टाइम पे कोई लिमिटर कुछ नहीं होता था 2007 उसमें, तो सुजुकी ने अपने हर चीज़ लगाया था इस बाइक के अंदर, जो नई वाली है उससे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक ये वाली बाइक तो थोड़ी सी भारी है। ठीक है, आपको ये भी मानना पड़ेगा भारी भी है, तो भारी है तो इस वजह से इसको चलाना हल्का सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे लगता है, बाकी नई वाली जो है उसको चलाना काफ़ी इजी है, वो तो काफ़ी हल्की है, बट ये वाली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भारी है उसके मुकाबले। ऑल राइट चलो यार, यहाँ जो काम वगैरह था कंप्लीट हो चुका है। खैर मैं एक बार अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पर कुछ चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार बैंक में कुछ ज़्यादा यहाँ पर पैसे पड़े होंगे, बट फिलहाल अभी जो है 5 लाख डॉलर्स ही अवेलेबल हैं, और अपनी बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है अब ज़्यादा पहले से। तो खैर बस यही कि कोई पुलिस वाला टिकट ना दे दे, क्योंकि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो डेविल के यहाँ पर लगे हुए हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही लाउड हैं इस बाइक के हिसाब से, बहुत ज़्यादा लाउड हैं। चलो यही जाती हुई एक नॉर्मल इनलाइन 4 है भी, यहाँ पर सारी बाइक दोस्तों इनलाइन 4 ही आपको मिलेगी, देखिए ज़रा, हाँ इनलाइन 4 ही है भी, नॉर्मल बाइक्स तो यहाँ पर मिलेंगी नहीं। ठीक है, इनलाइन 4, इनलाइन 3, इनलाइन 4 ज़्यादा हैं, इनलाइन 3 भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनलाइन 4 कुछ ज़्यादा बाइक्स यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम आ चुके हैं, बहुत टाइम के बाद आए हूँ, और अपना पहले रेड हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर पहले मैंने पूरे के ऊपर दोस्तों यहाँ पर पुट्टी वगैरह करवाई, तो कराने के बाद अपना जो है पेंट जॉब हल्की सी ख़राब हो गई थी, तो उस सिलसिले में गाइस यहाँ पर चलता रहता है। बाकी अपना मलिबू मेंशन आज भी वैसा का वैसा ही है दोस्तों, जैसा मैं छोड़ के जाता हूँ इसको, आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं हुई दोस्तों, कुछ भी लिटरली एक चीज़ की चेंजिंग नहीं हुई यहाँ पर, एक चीज़ की भी जो चेंजिंग होती है ना वो भी यहाँ पर नहीं हुई। खैर सही है दोस्तों, चलिए यार इसके स्टैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है दोस्तों ये वाली दिक्कतें इन बाइक के स्टैंड्स को लेकर लिटरली, और पता नहीं कितनी बार चेंज करा चुका हूँ बट फिर भी यार वही दिक्कत है। अभी वहाँ पर देखा आपने, वहाँ पर खड़ी हो गई थी, यहाँ पर हो नहीं पा रही है, यही तो बात है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर घास पर खड़ी करने की कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ आके चल कर हो जाए, क्या पता उस वाले मटीरियल पर ना खड़ी हो पा रही हो। ना 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 ना, स्टैंड की दिक्कत है दोस्तों थोड़ी सी। ठीक है ना, तो चलिए हम अंदर चलते हैं। फिलहाल जितनी जो पहले चीज़ें थी, जितनी भी मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की हैं दोस्तों, सब कुछ आज भी पहले जैसा है या नहीं वो तो अभी अंदर जाकर ही यहाँ पर जो गाइस पता चलने वाला है। ठीक है, आज भी पहले जैसा ही है, खैर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो गाइस सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादातर चेंजेस तो कुछ भी नहीं आया, देख लो वही घर अपना, और ये देखो वही गाड़ियाँ, बट कुछ यहाँ पर एक टाइम पे मैंने अपने फ़ोटोज़ वगैरह लगवा दिए थे, बट दोबारा जब मैंने चेंज करे फिर मुझे पता चला कि हम अपने फ़ोटोज़ को अपने घर में जो है दोस्तों नहीं लगा सकते हैं, इस वजह से मुझे अपने फ़ोटोज़ वगैरह को गाइज यहाँ पर जो है हटाना पड़ा। ठीक है, बाकी और तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और तो सब कुछ सही है ऑल द टाइम्स, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर सही है। बाकी ये वही लड़की वाला फ़ोटो, ये पुरानी पेंटिंग्स ना बेसिकली पड़ी थी यहाँ पर, मैकडॉनल्ड्स चल नहीं रहा होगा क्योंकि स्टाफ के बंदे ही नहीं आ रहे थे, मैकडॉनल्ड्स अपना बस ऐसे के ऐसे ही रखा है दोस्तों मैकडॉनल्ड्स। बाकी अपना वॉशरूम सही है, वैसे यार हर चीज़ ना जैसी मैं छोड़कर यहाँ पर गया था मुझे वैसी की वैसी मिली, कुछ भी यहाँ पर अलग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सही है। ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सही है। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर वाला फ्लोर
मेरा फेवरेट फ्लोर दोस्त यहाँ पर ऊपर का था, ठीक है ना, मेरा म्यूजिशियन रूम, यहाँ पर कैरियोके वगैरह जो भी होता है आप सब यहाँ पर देख पा रहे, सीलिंग वगैरह हर चीज़ अपने टाइम पर परफेक्ट है, बट हर जगह की लाइट्स वगैरह चल रही हैं और लाइट्स वगैरह इसलिए जला रखी हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे आई मीन जो वो हो ना, क्या कहते हैं, घर ना ऐसा लगे कि हाँ भाई घर के अंदर बंदा रह रहा है, और मैं इसलिए नहीं रह रहा था क्योंकि भाई यहाँ पर दुश्मनी वगैरह बहुत हो गई थी लोगों से। और राइट गाइस, तो फिलहाल यार यहाँ पर जो है सब कुछ आई मीन पहले जैसा ही है, और जितनी भी यहाँ पर फिलहाल अब तक की मैंने चीज़ें देखी सब कुछ सही है। बट बेसिकली गाइस अभी बिज़नेस की अगर यहाँ पर कुछ बात की जाए तो बिज़नेस पर खैर कल मैंने माइकल दादा से बात की थी, उन्होंने एक अपने व्लॉग में जो कि कल ही उनका व्लॉग आया था मैंने उसके अंदर उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ बताई, बट उन्होंने रोशनी मिसबा से जो करोल बाग से गाड़ियाँ आने वाली लॉस सैंटोस के अंदर, वो प्लान पहले से मैंने सोच रखा था, मैंने माइकल दादा को बताया था, उन्होंने वीडियो में बोल दिया यार, मैंने उन्हें बोला यार ऐसे मत करो, फिर वो नहीं करने वालों वाला बिजनेस मैं करूँगा अपने लॉस सैंटोस के अंदर, एक छोटी सी शॉप लेकर दोस्तों मैं वहाँ पर हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक्स हैं ना, जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक्स हैं अब तक की आती हैं सेकेंड हैंड, वो सारी की सारी गाइज वहाँ पर जो है मिलने वाली हैं, ठीक है। और कल दोस्तों मैं नताशा जी को भी यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, बट बेसिकली आप एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना नताशा जी को मुझे लेकर आना चाहिए अपने ब्लॉग्स में दोस्तों, या फिर नहीं लेकर आना चाहिए दोस्तों वापस, क्योंकि आई मीन बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है नताशा जी यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है ना, और अपना घर भी दोस्तों यहाँ पर सूना सूना हो रखा है। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी फ्रैंकलिन के वापस आने से दोस्तों कौन कौन यहाँ पर ज़्यादा खुश है आप प्लीज़ एक बार ये भी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल तो गाइस मैं अपने पुराने वाले घर जा रहा हूँ, कुछ सामान वगैरह उठा कर लाना है, और फिलहाल अब तुम्हारा भाई बस कल से जो है यहीं पर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। आपका इस बारे में भी क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेरी जो चीज़ें थी मैंने वापस ले ली हैं, फ्रैंकलिन इज़ बैक, और फ्रैंकलिन दोस्तों वाकई में यहाँ पर वापस आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अपना सामान वगैरह लेकर आते हैं, और बाकी मैं मिलूँगा आपसे कल नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।